अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करीम ट्रैवल एडवाइज़र्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं इस टाइम युगांडा में हूं और कफसरे भाई के सवाल रहे थे, करीम भाई युगांडा के परमिट का बताएं, जॉब्स का बताएं। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि युगांडा में जॉब्स नहीं है। अगर आप जॉब लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको सऊदीया, दुबई, कतर, जैसा कि हमेशा कहता हूँ, गल्फ कंट्रीज़ में जाएँ, वहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। अफ्रीका में चाहे युगांडा है, कीनिया है, कहीं भी है, आपको जॉब इस तरह नहीं मिलती जैसे दुबई सऊदी। युगांडा का परमिट जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, $2,500 एक साल के परमिट की कॉस्ट है। आप चाहे फ्रेश ले रहे हों या रिन्यूअल करा रहे हो, परमिट की जो कॉस्ट है वो सेम ही रहेगी। एक साल का $2,500, दो साल का $5,000, तीन साल का $7,500। परमिट लेने के लिए जारी बात आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो वो उसकी भी $500 कॉस्ट आ ही जाती है। वो कई बार एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, किसी को परमिट अप्रूव करवाना है आपने जल्दी जल्दी, तो फिर वो भी कॉस्ट एक माइंड में रखें, तो $500 वो भी आप रखें। तो कम से कम मिनिमम $3,500 की कॉस्ट जो है आपको जो है वो बेयर करनी पड़ेगी, तो जाके आपका एक साल का परमिट जो है वो होगा, अप्रूव होगा और लगेगा। अब आप हिसाब लगा लें, दो साल और तीन साल, तो परमिट बहुत एक्सपेंसिव है। उसके अलावा अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं तो कम से कम आपके पास जो है $50,000 से $60,000, ये मिनिमम आपको बता रहा हूँ, $50,000 से $60,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए। ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं। मिनिमम का मतलब है कि कम से कम, और मैक्सिमम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये कम से कम होनी चाहिए। ज़्यादा हो तो $1,00,000 हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं सिर्फ युगांडा की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे अफ्रीका की बात करूँगा। अफ्रीका पूरी जो बेसिकली कॉन्टिनेंट है ये अभी इमर्जिंग है, और मतलब जो अफ्रीका में अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी भी, हाँ कोरोना के बाद डेफिनेटली सिचुएशन चेंज हुई है थोड़ी सी, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन, पूरी दुनिया के हालात चेंज हुए हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही थोड़ी चेंजेस आई हैं। जो भी मुझसे भाई पूछते हैं करीम हम युगांडा आ जाएं, यहाँ इन्वेस्ट कर लें, युगांडा आना है, दुबई जाना है, कहीं भी आपने जाना है, तो मैं आपको सबसे पहले तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप उस जगह पर विज़िट करें, दो तीन माह वहाँ पर गुजारें, खुद वहाँ का माहौल देखें, बिज़नेस का माहौल देखें, बिज़नेस कल्चर देखें कि आपको सूट भी कर रहा है। अक्सर ऐसा ये भी होता है कि कई बार आप सोचते हैं पाकिस्तान में कि यार मैं गाड़ियों का काम कर लूँगा, जैसे युगांडा में गाड़ियों का काम है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर लूँगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का तजुर्बा है, लेकिन जब आप उस जगह पहुंचते हैं, चाहे वो दुबई है, मलेशिया है, युगांडा है, आपको यहाँ के लगता है कि आपको जब यहाँ आते हैं तो फिर आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ तो ये काम ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, या ये मुझे सूट कर रहा है, तो आप वो काम चेंज कर लें। आप भी इसलिए फ्लेक्सिबल भी रखें अपने आप को, सिर्फ एक माइंड बना के कहीं भी जब निकलते हैं इस माइंड से ना निकले कि मैं ये जाकर यही काम करूँगा, हो सकता है वो हो सकता है वो ना हो। तो जब भी आप कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं, अगर आप युगांडा भी आ रहे हैं, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आएँ, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छे पैसों के साथ आएँ। $60,000-$70,000 जेब में नहीं है तो मत आएँ मेरे भाई, नुकसान होगा, और यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसे बताऊंगा, लोग कहते हैं युगांडा बड़ा सस्ता है, युगांडा सस्ता नहीं है, महंगा है मेरे भाई, तो क्योंकि यहाँ हर चीज़ इम्पोर्ट होती है, तो जहाँ पर चीज़ें खुद ना बनती हों, इम्पोर्ट होती हों, वो जगह हमेशा महंगी रहती है, ये ध्यान में रखिएगा। खैर एनीवेज दैट्स इट। कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर वीडियोस युगांडा की अपडेट किया करूँ, और भी चीज़ों के जो सवाल जवाब हैं वो मैं आपके आंसर करूँ। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं की दरख्वास्त, करीम ट्रैवल एडवाइज़र का आपको सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।